कोरोना प्रादुर्भाव रहते कोजागिरी पूर्णिमा आई है। कोजागिरी में दूध पीने का महत्व है, लेकिन दूध की खपत में कमी आई है, जिससे दूध विक्रेताओं में चिंता का वातावरण छाया है। कोजागिरी पूर्णिमा में दूध का बहुत बड़ा महत्व रहता है, तब पैकेजिंग दूध के लिए बड़े प्रमाण में मांग रहती। सभी दूध विक्रेता बड़े प्रमाण में पैकेजिंग दूध का स्टॉक बुलाते हैं। सभी विक्रेता ने अपने दूध के ट्रे की थप्पी लगाई है, लेकिन कोरोना के रहते मांग कम हो गई है। विक्रेता द्वारा प्रतिवर्ष जितना दूध का ऑर्डर दिया जाता है उसे कम दिया, तब ग्राहक नहीं रहते अपने दूध की खपत हो गई क्या नहीं, यह चिंता सता रही है। प्रतिवर्ष अनुसार नहीं दिख रही लोगों को दूध लेने के लिए लोगों की भीड़। कोरोनामुळे हाल बेकार है, दूध इथे भरमसाठ पडून आहे, अजून पण इकडे पण पडून आहे, अजून गाड्या यायच्या, अजून गाड्या एक दोन खाली व्हायच्या, पण दुधाचा उठाव भरपूर कमी आहे, भरपूर नुकसान झालं होतं। आम्ही 3,000 लिटर बोलावलं होतं, त्याच्यातले अजून 1,000 लिटर उरलेलं आहे। अपेक्षा आता भरपूर आहे, पण असं वाटत नाही आहे। मार्केटच्या हाल बघून प्रत्येक वर्षी 4-5 हजार लिटर राहतात। हिंगणघाट से रवी नरकर की रिपोर्ट, NBC News, नागपूर।